हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस फालतू बातें ना करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइस हमारा आज का टॉपिक है एसीटोन। इस वीडियो में हम एसीटोन के चार पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट हमारा है एसीटोन क्या होता है, सेकेंड पॉइंट हमारा है ये कैसे बनता है, तीसरा पॉइंट हमारा है कि इस एसीटोन को कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, और हमारा चौथा पॉइंट है कि इसे हम कहाँ से खरीद सकते हैं। हम बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में, यानी एसीटोन क्या होता है। तो एसीटोन को प्रोपेनोन या डाइमिथाइल कीटोन के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक कार्बनिक कंपाउंड होता है, यानी कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक हम उसे कहते हैं जिसके अंदर कार्बन मिला हुआ हो या मौजूद हो, तो उसे हम कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं। और ये तीन केमिकल एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और गाइस ये केमिकल कंपाउंड, यानी कंपाउंड क्या होता है और एलिमेंट, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपको इसे डिटेल में जानना है तो आप मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इसका फॉर्मूला, यानी जो एसीटोन है इसका फॉर्मूला C3H6O होता है, और ये सबसे छोटा कीटोन होता है। एसीटोन का जो कलर होता है वो कई कलर में मौजूद होता है, तो इसलिए इसे रंगीन कहते हैं, और साथ साथ इसे वाष्पशील और ज्वलनशील तरल पदार्थ भी कहते हैं। अब ये वाष्पशील का मतलब होता है, यानी ये जो एयर होती है, हवा होती है हमारे, तो उसके साथ जल्दी ये रिएक्शन कर लेता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी बोतल में इस एसीटोन का रखते हो, अगर आप खुला छोड़ देते हो तो ये जल्दी जल्दी उड़ जाता है, यानी भाप बनकर उड़ जाता है। अब ज्वलनशील का मतलब है कि इसमें जल्दी से ही आग पकड़ लेता है, क्योंकि ये गाइस जल सकता है, इसलिए इसे ज्वलनशील भी कहा गया है। और इसकी जो गंध होती है वो होती है तीखी। ये आपको देखने में कलरफुल भी मिल सकता है, यानी कई कलर में मौजूद होता है, तो ये कई कलर में आपको देखने को मिलता है। साथ साथ अगर ये प्योरिटी होता है तो वो पानी की तरह होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। गाइज अगर आप केमिकल बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो गाइज सबसे पहले आपको केमिकल एलिमेंट के बारे में जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर दुनिया में जितने भी केमिकल तैयार हो रहे हैं वो सब केमिकल एलिमेंट की वजह से ही तैयार हो रहे हैं। अगर आप केमिकल एलिमेंट के बारे में नहीं जान सकते तो आप केमिकल भी नहीं बना सकते। तो आपको कहीं भी वन बाई वन केमिकल एलिमेंट के बारे में नहीं मिलेगा। और गाइज इस पर एक बुक है, और वो वन बाई वन एक से लेके मतलब जितने भी केमिकल एलिमेंट है वहाँ तक वन बाई वन के बारे में पूरा चैप्टर के बारे में समझाया गया है, और बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया गया है। और अगर आप वो बुक पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाकर उसे डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम एसीटोन के सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है हमारा ये जो एसीटोन होता है वो किस तरह से बनता है। जो हमारा एसीटोन होता है वो क्यूमिन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अब ये क्यूमिन जो है एक कंपाउंड होता है, तो गाइस मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो इस प्रक्रिया को क्यूमिन प्रक्रिया कहते हैं, जो एसीटोन को तैयार किया जाता है। क्यूमिन प्रक्रिया है, इसमें बेंजीन को और जो प्रोपिलीन के साथ क्षार्य किया जाता है, जिससे कि हमारा क्यूमिन कंपाउंड का, यानी क्यूमिन का प्रोडक्शन हो जाता है। फिर इस क्यूमिन को हवा द्वारा आकर्षित किया जाता है, जिससे कि हमारा एसीटोन और फिनोल बनके तैयार हो जाता है। अब इस फिनोल को और एसीटोन को अलग किया जाता है, उसके बाद हमें प्योर एसीटोन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमारा एसीटोन तैयार किया जाता है। चलते हैं एसीटोन के तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है हमारा जो एसीटोन है उसे कहाँ कहाँ यूज़ में लिया जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है, यानी इंडस्ट्री होती है हमारी, फैक्ट्री वगैरह, कंपनी वगैरह, ये वहाँ पर भी यूज़ होता है। जैसे कि लोहा हो, लोहा पे सबसे ज़्यादा जंग लगता है। अगर आप एसीटोन उस पर लगा दो और उसे रख दो तो उस पर काफ़ी दिनों के बाद जंग लगेगा, क्योंकि जो एसीटोन होता है वो जो जंग लगता है हमारा उसे रोक लेता है। और ये क्रोमेटोग्राफी में भी यूज़ किया जाता है, इसको क्लीन के लिए भी यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा थिनर वगैरह जो क्लीन करते हैं, ये उसके अंदर भी मिक्स होता है, बट
उसमें 30% मिश्रण होता है और आपको प्रोटोकॉल में भी इसका यूज़ मिलेगा, क्योंकि गाइस जो हमारे डॉक्टर होता है, जो हमारे अंदर की जांच करते हैं, उसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में भी एसीटोन की मदद से किया जाता है। मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी रोल प्ले करता है, जैसे हमारी त्वचा हुई यानी जो स्किन है इसको भी, और आपने देखा होगा कभी कभी जो पार्लर होता है, ये पार्लर में भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्योंकि गाइस आपने देखा होगा, आप में से कोई पार्लर गया होगा, पार्लर में जाने के बाद आपने जो हमारे नाई वगैरह होते हैं जो खत वगैरह या बाल कटिंग करते हैं, कोई कोई बंदे जो है फेस फेसियल वगैरह कुछ भी, तो उसमें जो मिर्ची लगती है, तो वो जो मिर्ची लगती है ना आपको स्किन पर, तो वो एसीटोन की लगती है और उसे ही एसीटोन को यूज़ किया जाता है। अगर आपकी जो नेल पॉलिश होती है, नेल पॉलिश ज़्यादा कलर लग चुका है, वो छूट नहीं पा रहा, तो ये जो है नेल पॉलिश का जो कलर होता है उसको भी ये छुटा देता है। तो गाइज हम इसे ये भी कह सकते हैं, अगर किसी चीज़ पर दाग लग गया है उसे दाग को भी छुटा सकते हैं, बट आप कपड़े पे बिल्कुल भी नहीं छुटा सकते। गाइज अब बात करते हैं हम एसीटोन के चौथे पॉइंट की तरफ। तो गाइज चौथा पॉइंट था हमारा, अगर आप एसीटोन को ख़रीदना चाहते हो तो आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं, और अगर आप इसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो आपको इसका ध्यान सबसे ज़्यादा रखना होगा। और मैं ये नहीं कहता हूँ एक्सपेरिमेंट करिए, क्योंकि गाइज आप अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो आप खुद अपने रिस्क पे करोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ मिलेगा, तो आपको ये ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और जो इंडिया मार्ट वैसे प्लेटफॉर्म है गाइज। और मैं कोई ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इन चीज़ का, मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, आप जाकर समथिंग करीबी दुकान से ले सकते हैं एसीटोन। आपको वीडियो मेरी कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइज मैं इस चैनल पर केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितनी भी जानकारी होती है उससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूँ। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।